में जिन्होंने भारतीय साहित्य का संकलन किया है, संकलन ओके किया है, वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इस पे चर्चा कर सके आगे के विषयों पर। ओके जी हाँ, तो आप लिख नोट करना शुरू कीजिए। यू विल बी सेंडिंग दिस फाइल नो जी, दिस रिकॉर्डिंग फाइल विल बी गेटिंग नो जी. हाँ, आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इसको अभी लिखेंगे तो हम इस पे चर्चा कर पाएंगे और आपको विषय की गहराई ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, हाँ जी. वास्तव यू सेड यू कैन गेट इट ऑन अमेज़न दैट बुक राइट नाउ जी, हाँ, अमेज़न डॉक्टर पे नागेंद्र का आपको, पुस्तक का. हाँ मिल जाएगा, भारतीय साहित्य नाम से किताब है, डॉक्टर नगेंद्र की हाँ किताब जी है। और हाँ जी आप और भी किताबें हैं, ओके भारतीय साहित्य की पहचान, ओके भारतीय साहित्य की पहचान. ओके संपादक हैं डॉक्टर सियाराम तिवारी तिवारी सियारा दिवारी. ओके है। ओके और भारतीय साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा आपको मिल जाएगा, ओके इसके राइटर मैं आपको बताऊंगी। हाँ, अगर आप इसका एक ग्रुप मेल बना लेंगे तो मैं कुछ सामग्री आप लोगों को भेज सकती हूँ। अगर आप सब लोग ओके मिलके एक व्हाट्सएप मेल बना लें तो आपको मैं भेज ओके सकती हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। ओके ठीक ओके जी ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र की उक्ति से मैं शुरू करूंगी। हाँ डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, वास्तव में भारतीय साहित्य की धारणा, वास्तव में भारतीय साहित्य की धारणा का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में भारतीय साहित्य की धारणा का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की धारणा से के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार, भव्या अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी ठीक जिस प्रकार सहस्राब्दियों से धर्म, जाति, भाषा आदि के, जिस प्रकार सहस्राब्दियों से धर्म, जिस प्रकार सहस्राब्दियों से भाषा, धर्म, जाति आदि के वैविध्य के रहते हुए भी, वैविध्य के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मूलभूत एकता रही है और, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं भव्या? हाँ जी वी आर फॉलोइंग. हाँ, और भारतीय राष्ट्र आज जीवंत सत्य के रूप में विद्यमान है। जी हम अभी हाँ, एक बार जी आदि के वैविध्य के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में मूलभूत एकता रही है। आगे बढ़े।
हाँ जी, और भारतीय राष्ट्र आज जीवंत सत्य के रूप में, जीवंत सत्य के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार भारतीय साहित्य की, इसी प्रकार भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता, इसी प्रकार भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का निषेध भी नहीं किया जा सकता। एकता का निषेध, 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 निषेध भी नहीं किया जा सकता। तत्व रूप में भारतीय साहित्य एक इकाई है, एक इकाई है। तत्व भारतीय साहित्य में रूप में, तत्व रूप में भारतीय साहित्य, तत्व रूप में भारतीय साहित्य एक इकाई है। उसका समेकित अस्तित्व है, जी उसका समेकित अस्तित्व है। जो भारतीय जीवन की, जो भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त एकता को, अंतर्व्याप्त एकता को अभिव्यक्त करता है। उसका समेकित अस्तित्व है जो भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त एकता को अभिव्यक्त करता है। भव्या, एक बार आप इसे पढ़ेंगी दोबारा, आपने जो नोट किया है? हाँ, हाँ जी, फ्रॉम वास्तव में, फर्स्ट हाँ, यहाँ से शुरू शुरू से शुरू कीजिए। वास्तव में भारतीय साहित्य की धारणा, धारणा से बुरा हुआ, विशिष्ट प्रकार से राष्ट्रियों से आशा, धर्म जाति आदि से की हुए भारतीय संस्कृतियों से एक मूल और भारतीय राष्ट्र आज जीवन सार रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार भारतीय की अच्छा मूलभूत भव्या, एकता। मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक हाँ है? जी, मुझे ठीक है, विचार जी, से आपने, आप लोगों ने ठीक से नोट नहीं किया है, मैं एक बार और पढ़ रही हूँ, आप इसको ठीक है चेक कर जी, लीजिए। हाँ, ओके जी, शुरू से पढ़ रही हूँ मैं। वास्तव में भारतीय साहित्य की धारणा का सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहला वाक्य है, ठीक है भव्या? ठीक हैव यू है, ठीक है करेक्टेड इट? जी, हाँ, ठीक है जी, सेंथिल आपने नोट किया? हाँ जी, हाँ नोट हाँ अगला वाक्य है, जिस प्रकार सहस्राब्दियों से धर्म, जाति, भाषा आदि के, जिस प्रकार सहस्राब्दियों, सहस्राब्दियों मतलब हजारों वर्षों से धर्म, जाति, भाषा आदि के वैविध्य के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में मूलभूत एकता रही है, और भारतीय हेलो राष्ट्र, जी, हेलो जी जी एक हाँ मिनट जी, राष्ट्रीय का धारण जुड़ा हुआ है, फिर क्या है जी? हाँ जिस प्रकार जिस प्रकार सहस्राब्दियों, सहस्राब्दी, सहस्राब्दियों मतलब ओके, हजारों वर्षों से, हाँ ठीक है जी, सहस्राब्दियों से धर्म, जाति, भाषा आदि के वैविध्य, वैविध्य मतलब अलग अलग रहते के रह वैविध्य के रहते हुए भी वैविध्य के रहते हुए भी
रविचंद्रन जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। रविचंद्रन जी अपना हाँ जी, हाँ माइक्रोफोन ऑफ जी, कर दें प्लीज। जिस प्रकार सहस्राब्दियों से धर्म, जाति, भाषा आदि के वैविध्य के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति में मूलभूत एकता रही है, ठीक है, मूलभूत मूलभूत एकता एकता मूलभूत एकता एकता रही है। रही है। हाँ, और और भारतीय राष्ट्र आज जीवंत सत्य के रूप में विद्यमान है, और भारतीय राष्ट्र आज जीवंत सत्य के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार इसी प्रकार भारत भारतीय साहित्य की मूलभूत रूप, हाँ, एकता का मूलभूत निश्चित एकता का निषेध भी नहीं किया जा सकता, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता, यू कैन नॉट से नो टू इट, ठीक है, निषेध का मतलब। इसी प्रकार भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का निषेध भी नहीं किया जा सकता। तत्व रूप में, अगला अगला सेंटेंस है, तत्व रूप में भारतीय साहित्य एक इकाई है, उसका समेकित अस्तित्व है। तत्व रूप में भारतीय साहित्य एक इकाई है, उसका समेकित अस्तित्व है, जो भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त भारतीय जीवन की अनेकता में अंतर्व्याप्त एकता को करता अभिव्यक्त करता है। है। ओके, ठीक ठीक है है जी, क्या? सभी ठीक है लोग ठीक एक बार रेस्पॉन्ड करें। है जी, एक बार ठीक है और जी, कोई? ठीक हाँ, है जी। भारतीय अच्छा, जीवन की अनेकता के बाद अनेकता में एकता को अनेकता में अंतर्व्याप्त, के बाद क्या है जी? एकता 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 एकता, को अभी को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करता है। अब नगेंद्र जी का कहना है कि भारतीय साहित्य जो है उसका संबंध सीधा सीधा उसकी संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। कल हमने भारतीय राष्ट्र की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी, तो उसी धारणा के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी भाषाएं, जाति, धर्म होने के बावजूद ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नगेंद्र जी का ये कहना है कि मूलतः यह भारतीय एकता को अभिव्यक्त करता है। अब मैं आपको रविंद्रनाथ ठाकुर जी के एक उक्ति के बारे में पहले बताऊंगी, फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने क्या कहा। कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से ही अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित कर सकती है। इस प्रकार का विशेष महत्व हिंदी भाषा के साहित्य में यथेष्ट रूप में पाया जाता है। मध्य युग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में जिस भावधारा का ऐश्वर्य विस्तार किया है, उसमें असाधारण विशेषता पाई जाती है। यह विशेषता यही है कि उनकी रचनाओं में उच्च कोटि के साधक एवं कवियों का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रकार का सम्मिश्रण दुर्लभ है। तो कल हमने संत साहित्य के बारे में जो चर्चा की थी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है वो विशेषकर हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं
मैं इनके दो वाक्यों को मैं अभी बताती हूँ, आप नोट कर लें। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? रेडी हाँ हूँ रेडी रेडी जी, तैयार हूँ मैं। जी, तैयार रविन्द्रनाथ ठाकुर हूँ जी, जी। हाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की उक्ति को आप नोट कर लें। कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से, अपने साहित्य की दृष्टि से ही अपने प्रति श्रद्धा, कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से ही अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित कर सकती है, अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित कर सकती है। अगला वाक्य है, इस प्रकार का विशेष महत्व हिंदी भाषा के साहित्य में, यथेष्ट रूप में पाया जाता है। इस प्रकार का विशेष महत्व हिंदी भाषा के साहित्य में यथेष्ट रूप में पाया जाता है। मध्य युग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में पाया जी यथेष्ट रूप में जाता है। जी, धन्यवाद। मध्य युग के साधक कवियों ने मध्य युग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में जिस भावधारा का ऐश्वर्य विस्तार किया है, मध्य युग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में जिस भावधारा का ऐश्वर्य विस्तार किया है, उसमें असाधारण विशेषता पाई जाती है। वह विशेषता यही है कि उसमें असाधारण विशेषता पाई जाती है। ठीक है स्वाति, जी, हाँ, अगला वाक्य है, वह विशेषता यही है कि जी विशेषता यही है कि उनकी रचनाओं में उच्च कोटि के साधक एवं कवियों का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है, एकत्र सम्मिश्रण हुआ है। जी साधक एवं कवियों का एकत्र एक, एकत्र सम्मिश्रण हुआ है, सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रकार का सम्मिश्रण दुर्लभ है। इस प्रकार का सम्मिश्रण दुर्लभ है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की सुक्ति से हमें पता चलता है कि साहित्य से ही विशेषकर उसकी विशेषताएं, किसी भी समाज की विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। अब एक और विद्वान है, सिर्फ एक इनका वाक्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से इनका लेखन बहुत ही महत्व रखता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि यूरोपियन पंडित यह अनुमान नहीं कर सकते
भारतीय साहित्य यूरोपियन पंडित यह अनुमान नहीं कर सकते कि भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना है। भारतीय साहित्य एक जीवित जाति की साधना एक जीवित जाति जाति ठीक है। तो जैसा कि कल हमने कहा था कि भारतीय राष्ट्र की स्थापना के बाद ही भारतीय साहित्य की संकल्पना उभरी है और इसकी अवधारणा यही है कि यह राष्ट्रीय साहित्य है। और इसका स्वरूप क्या है? अवधारणा है कि हम उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो भारतीय राष्ट्र का साहित्य जो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है वो साहित्य भारतीय साहित्य है। अब इसका स्वरूप क्या है? भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का साहित्य, उन भाषाओं का साहित्य जो है वो भारतीय साहित्य कहलाता है। तो स्वरूप के अंतर्गत आपको प्राचीन साहित्य से लेकर ऋग्वेद से लेकर जो दर्शन है भागवत रामायण षट दर्शन आदि जो है वो सभी बातें इसमें आ जाती हैं। और मध्यकालीन जितना लेखन है जिसमें सभी संत साहित्य भी आ जाता है। तो मध्यकालीन साहित्य है, आधुनिक साहित्य है। तो भारतीय साहित्य के स्वरूप के बारे में जब आप लिखेंगे तो उनमें एक आपके उसमें एक टॉपिक है कि भारतीय साहित्य में विभिन्न विचारधाराएं। तो इन विचारधाराओं में हमें भारतीय दर्शन, भारतीय भारतीय जो साहित्य है, महाकाव्य है और उर्दू फारसी लेखन है, तो वो सभी कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। तो विचारधाराओं के अंतर्गत विशेषकर आधुनिक युग में बहुत सारी विचारधाराएं आई हैं जिसमें पश्चिम की विचारधाराएं भी हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्ववाद है, फिर मार्क्सवाद है, समाजवाद है और लोकतांत्रिक विचारधाराएं हैं। ये राजनैतिक विचारधाराएं जो भारत में आधुनिक समय में प्रवेश करती हैं। मध्यकाल में हमारे पास सगुण निर्गुण भक्ति भावनाएं हैं, सूफी लेखन है और मुसलमानों ने जो लेखन किया है, उर्दू फारसी का जो लेखन है। तो और प्राचीन काव्य में जो वैदिक साहित्य हमें मिलता है वो सब कुछ विचारधाराओं के अंतर्गत आते हैं। कोमला, आप समझ रही हैं? कोमला जी हाँ खुद समझ आती है जी। हाँ प्रभावती, रविचंद्रन जी, कैन यू गेट माय पॉइंट? हेलो हाँ यस मैडम। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि जो कल हमने अवधारणा के तहत भारतीय साहित्य को परिभाषित किया, भारतीय साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत कौन कौन सा साहित्य उसके अंतर्गत आता है? अच्छा, आप अलग अलग भाषाओं से हैं तो आप एक बात मुझे बताइए कि आप अपनी भाषा के साहित्य के बारे में किन लेखकों के बारे में जानते हैं? क्या आप एक एक करके मुझे बता सकते हैं? जैसे तमिल में भारतियार है और तिरुवल्लुवर है, संगम साहित्य है, तो क्या हाँ आप अपनी जी, अपनी भाषाओं के बारे में थोड़ा इल्लम बहुत बता सकते वडिगल हैं? हाँ कप्यम माई हाँ हाँ मेघलई लाइक दिस। तो तमिल साहित्य के इतिहास में सबसे पहला कौन सा आता है? संगम साहित्य आता है ना? कप्यम तुलकप्यम
तुलकापियम। हाँ हाँ तुलकापियम हाँ पुराना हाँ पाट पद कण हाँ अगर हाँ पद्मन पाट। नानूर हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। हाँ और ऐसे ही कोई मलयालम है क्या यहाँ? मलयाली है कोई? हेलो, आप में से कितने लोग किसी और भाषा के साहित्य के इतिहास के बारे में जानते हैं? जी मैं हाँ देखिए, अपनी भाषा के अतिरिक्त आप क्या किसी और भाषा के साहित्य के बारे में जानते हैं? तेलुगु अच्छा, तो तेलुगु साहित्य के जी इतिहास में क्या जानते हैं? जी हमारा कई कवि हैं तिक्कन्ना नन्नया और वेमन्ना, उनके लिखे हुए कुछ साहित्य हैं सुमति शतकम भास्करा शतकम वगैरह। वो जब दोहे की तरह छोटे छोटे पोएम के रूप में होते हैं जिसे हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं हाँ जी। हाँ तो देखिए, जी आप हमारे भारतीय जो भारतीय मानस है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप एक से ज्यादा भाषाओं के बारे में जानते हैं, और जी एक दूसरे से जब आप जानते हैं, खासकर वेमना जो है वो आप उनको तिरुवल्लुवर से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी दोहे की तरह, और कबीर को आप उनके साथ तुलना कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती आप स्वयं से आप लोग बता रहे हैं अलग अलग भाषाओं के बारे में। और कोई है यहाँ पे हिंदी या पंजाबी या कोई और भाषा, किसी और भाषा के हैं विद्यार्थी? हेलो, हाँ किसी और भाषा के विद्यार्थी हैं यहाँ पे? हेलो हेलो, जी आप किसी और भाषा के विद्यार्थी हैं यहाँ पे? जी जी मालूम नहीं जी, हम तो तमिल भाषा के देते हैं जी। नहीं हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अभी तेलुगु भाषा के बारे में, नहीं हाँ आपको कन्नड़ तेलुगु कन्नड़ कन्नड़ के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ नहीं अच्छा, जी तो आप, हाँ तमिल देखिए, मात्र मालूम। अच्छा तो देखिए, आपको ऑनलाइन जो है सबसे, हालांकि ये प्रामाणिक नहीं है लेकिन एक बिल्कुल ही बेसिक स्तर पर आपको विकिपीडिया में हर भाषा के साहित्य का इतिहास संक्षेप में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल प्रामाणिक है या यही पूरा है, तो इसमें आपको आपको हर भाषा के वो मिलता है। ठीक है जी, कल देखकर हम ठीक है बता जी, हाँ दूंगी। आप उसको ठीक देखिएगा कि इन सभी सभी भाषाओं के साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास बटा हुआ है। तो प्राचीन काल, मध्य काल में दो काल है, भक्ति काल और रीति काल। हालांकि हर साहित्य के इतिहास में भक्ति और रीति नाम से दो भागों में नहीं बांटा गया है, बस वो मध्य काल में बांटा गया है। तो तीन प्रमुख भाग है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, ठीक है। और आधुनिक काल जी में भी अभी जो बिल्कुल एकदम नवीनतम जो लेखन हुआ है वो उत्तर आधुनिक लेखन भी आपको मिलता है। लेकिन जो आधुनिक काव्य है उसमें बहुत सारी समानताएं मिलती हैं, जिस तरीके से मार्क्सवादी साहित्य आपको मिलता है, प्रयोगवादी साहित्य मिलता है, रोमांटिसिज्म से जुड़ी हुई बातें मिलती हैं, तेलुगु में भी हैं, तमिल में भी हैं, और संपूर्ण भारत में, बंगाल में भी ये प्रक्रिया हमें देखी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो समान रूप से चलती हैं, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, तो
मूलतः मैं चाहूंगी कि कल तक आप अपने जो टेक्स्ट हैं उनको एक बार आप देख लीजिए ऑनलाइन, और इसी प्रकार से संक्षिप्त साहित्य के इतिहास विभिन्न भाषाओं के देख लीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास भारतीय साहित्य की, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं के इतिहास अभी हमने लिपिबद्ध नहीं किए हैं। कुछ भाषाएं हैं जो संविधान में हैं, उनके साहित्य के इतिहास को एक जगह पर ला दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन भाषाओं के विभिन्न साहित्य को एक जगह कर देना भी भारतीय साहित्य की अवधारणा के साथ नहीं, जैसे हमने कहा, निषेध नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी बात पर हम रुक जाएं। तो मैं आपको इसका उद्देश्य बताऊंगी कि भारतीय साहित्य की अवधारणा को क्यों बनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र हैं, वो विद्यार्थी हैं, उनमें एक ऐसी चेतना या सोच का विकास हो कि वो बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर देश के नागरिकों को अपने प्रांतीय स्तर पर भी समझ सकता है, देश के नागरिकों को उनके प्रांतीय स्तर पर मिलने वाले साहित्य को समझा सके। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि साहित्य ही संस्कृति को परिभाषित करता है या उसके बारे में उसकी श्रद्धा को जगाता है, तो साहित्य मनुष्य को आंतरिक रूप से परिष्कृत करता है ना? जब आप कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो मनुष्य को आंतरिक रूप से वो परिष्कृत करता है। तो अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि प्रांतीय और क्षेत्रीय भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनको वहां के साहित्य से अवगत कराना, मतलब जब आप जानेंगे दूसरे भाषाओं के साहित्य के बारे में, तो वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके मानस का विस्तार होता है और उनके जो चिंतन का क्षेत्र है वो भी परिष्कृत होता है। तो दूसरा एक स्तर है संवेदनात्मक स्तर। यहाँ पर लोग या जो साहित्य पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की भाषा का अनुवाद से प्राप्त साहित्य भी पढ़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़कर अध्येताओं, जो आप बच्चे हैं, जो आपको अध्येता कहा जाएगा, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो रचनात्मक गुणों को भी जान पाएंगे और उसमें उत्कृष्टता भी आ पाएगी। इसलिए भारतीय साहित्य का अध्ययन जो है आप जैसे विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप लोग आपके आपके भीतर जो विकसित होती है वो ये है कि क्षेत्रीय संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर, मतलब यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू योर रीजनल पेरिफेरीज और रीजनल बाउंड्रीज, वहां से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय बंधुत्व और भाईचारे जैसे विस्तृत जमीन को वो प्रदान कर सकता है। इसलिए भारतीय साहित्य की अवधारणा को विकसित किया गया और ताकि राष्ट्रीय चेतना बढ़ सके। तो भारतीय साहित्य जो है वो अध्ययन के लिए सिर्फ सामाजिक ही नहीं, वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? हाँ जी हाँ हाँ, जी तो समस्याएं इसकी यही है कि वो अलग अलग लिपियों में लिखी गई है और उसमें जो एकता होनी चाहिए वो, उसके लिए इसका समाधान ये भी ढूंढा गया है कि समस्त जो साहित्य है उसको एक कॉमन लिपि में हम कर दें, जैसे देवनागरी लिपि। अगर इस साहित्य को हम
ट्रांसलिटरेट कर दे, मतलब हम देवनागरी लिपि में लिख दे, तो लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अलग अलग भाषाओं के साहित्य पहुंच सकता है ना। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, और ये समस्याएं साथ में हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि समाज का बिंब मतलब समाज के बारे में उसका चित्रण जो है वो साहित्य के माध्यम से ही होता है। और जैसे कल मैंने बताया कि साहित्य जो है वो एक सामाजिक दस्तावेज होता है, इमोशनल हिस्ट्री या भावनात्मक इतिहास बताता है। तो इसीलिए ये भारतीय साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप लोग पहले सब जुड़े नहीं थे, मैंने बताया शुरू में बताया था कि जो टेक्स्ट हैं आपके सिलेबस में, जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट हैं, भव्या एक बार और रिपीट कर दें सबके लिए। सिलेबस उसमें जो टेक्स्ट है, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट हाँ जी ठीक है। है। तो अग्निगर्भ है, वर्षा की सुबह है, और हाय वदन है। हाँ जी नाटक हाय वदन जी। हाँ, मैंने जैसे शुरू में बताया, आप में से बहुत लोग उस समय नहीं थे, कि हाय वदन नाटक भी आपको गद्य कोश में मिल जाएगा, ओके गद्य कोश में मिल जाएगा, और YouTube में ये नाटक आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं जी। हाँ, देख सकते हैं आप, इसको हाँ जी देख देख लीजिए। और अग्निगर्भ के बारे में आप जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ जी उसको एक बार देख लीजिए, ताकि हम कल उन पे चर्चा कर सकें। और वर्षा की सुबह, जो सीताकांत महापात्र ओडिशा से हैं, वो IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और उनके ओके काव्य में हमें बहुत कुछ सामाजिक, दार्शनिक और भावनात्मक विषय मिलते हैं, जो उनके हाँ काव्य के जी विषय वस्तु हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। हाँ जी हाँ, तो ये एक बार आप कल तक अगर आप देख लेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगी कि हम इस पे चर्चा कर सकेंगे। ठीक ओके जी ठीक है, है तो जी आप एक और हाँ बात मैंने कही थी कि आप अपना ग्रुप व्हाट्सएप बना लेंगे, तो इसमें आपको सामग्री भेजी जा सकती है। ठीक है, ठीक है जी ठीक हाँ है जी। हाँ नाटक का लेखक नाम क्या है? हाय वदन, हाय वदन, गिन हाय वदन, गिरीश भाई गिरीश कर्नाड का नाटक है। आप गिरीश कर्नाड को जानते होंगे, वो बहुत बड़े एक्टर भी रहे हैं, और हाँ मल्टी, यार हाँ, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व रहा है। वो एक वैज्ञानिक भी रहे हैं, और थिएटर भी उन्होंने किया है, सिनेमा भी किया है, बहुत बड़े लेखक भी हैं, और उन्होंने लोक कथाओं के आधार पर बहुत लेखन किया है। और हयवदन भी हमारी ऐसी ही एक परंपरा से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ नाटक है, जिसमें वो बात करते हैं कि जो अधूरे मनुष्य हैं, और जो हयवदन का कंसेप्ट आप जानते होंगे कि आधा घोड़ा और आधा मनुष्य होता है। ओके, तो नोबडी इज परफेक्ट, तो इन सर्च ऑफ परफेक्शन, तो ये भी और चीजों पर आधारित है, पश्चिम के कुछ कंसेप्ट्स पे भी आधारित है, जिसपे हम कल ज्यादा विस्तार से देख पाएंगे। तो आप इन सब टेक्स्ट को एक बार देख लीजिए। तो आप में से यदि किसी को कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? हाँ नथिंग जी एवरीथिंग इज ओके हाँ हाँ जी हाँ वैसे आपको मैंने आपसे कहा कि आपको मैं कुछ सामग्री भेज सकती हूँ, और आप जो ये टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको बहुत सी सामग्री ऑनलाइन मिल जाती है गूगल पे। ठीक है, ठीक है जी ठीक है हाँ, तो ओके ओके द मेन पॉइंट्स जो हैं
वो भारतीय साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत जो कल से आज तक हमने चर्चा की उन पॉइंट्स को आप लिख लेंगे या आप ध्यान देंगे। भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता, भारतीय साहित्य के अध्ययन की समस्याएं हमने देखी, भारतीय साहित्य में भारतीयता, भारतीयता को भी हमने समझा, और भारतीय साहित्य में आप अपनी अपनी भाषा में या अपनी भाषा में भी आप देख सकते हैं कि आप किसको भारतीयता कहेंगे। आप इस पे सोचिए जरा ताकि हम कल इस पे चर्चा कर सकें। क्या व्हाट इज इंडियननेस, आप नोट करेंगे भारतीयता आप बिल्कुल किसे मानते हैं ताकि हम कल इस पे चर्चा कर सकें। भारतीयता क्या है? ठीक है रुखसाना, ठीक है जी। ताकि हम कल इस पे जब हम टेक्स्ट पे विचार करेंगे तो भारतीयता क्या है और हम किस चीज को देख रहे हैं भारतीय साहित्य में, वो एक महत्वपूर्ण अंश होगा, तो कल हम इस पे सोच सकते हैं। ठीक और भारतीय साहित्य में हमने आज के भारत के बिंब को, विभिन्न समय के बिंब को के बारे में भी कल चर्चा की, कि कैसे उपन्यासों में और कहानियों में समय को लेकर वहां के समाज के बारे में किस तरह से दिखाई देता है। जैसे गोदान उपन्यास है, तमिल में कोई ऐसा उपन्यास आप बता सकते हैं जो तमिल संस्कृति के बारे में, आधुनिक उपन्यास जो तमिल जीवन के बारे में बताते, कोई ऐसी कहानी हो आप जानते हैं? हेलो जी, हेलो, ना ही मालूम। हाँ तो आप सोचिए आज। वैसे वैसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, कोई भी कहानी हो, कोई भी उपन्यास हो, वो एक समाज के जीवन को ही दर्शाता है। क्यों? किसी भी कहानी में, किसी जगह के बारे में होगा, किसी व्यक्ति के बारे में होगा, उसके जो संघर्ष होंगे उसके बारे में होंगे। ठीक है, तो इन प्रेमचंद की रुखसाना आप उपन्यास माइक्रोफोन लेना ऑफ जी, कीजिए। हाँ प्रेमचंद के प्रेमचंद के उपन्यास उपन्यास लेना जी। जी, गोदान में हमें किसानों का जीवन दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही ओडिया ओडिया का उपन्यास जो है, 6 बीघा जमीन, उसमें भी किसानों का जीवन हमें दिखाई देता है। ऐसे ही चम्मीन एक मलयालम उपन्यास है, इसमें फिल्म भी बनी है, मछुआरों के जीवन के बारे में बताती है। काव्या प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो ऐसे आप उपन्यासों के बारे में सोच सकते हैं, और सभी उपन्यास जो है वो सामाजिक जीवन को ही प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, तो आप भारतीय क्या है इसके आप बार देख लें, और जो ऑनलाइन है वहां उसमें आपको सामग्री काव्य कोश और गद्य कोश में मिल जाएगा, और किताबें जो है वो अमेजोन पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है सजनी? आप समझ गए? जी। हाँ जी, हाँ जी, समझे। मैं लोग की भाषा बहुत अच्छी है, आसानी से समझ में आती है। जी समझ में आ रही है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। आपकी भाषा है, बोलचाल की भाषा जैसे, मुझे अच्छा लग रहा है सुनना। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, तो कल फिर हम मिलेंगे, तब तक आप और चीजों को जरा एक बार देख लें ताकि हम चर्चा कर सके। हमारे पास समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दे पाऊं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए तो मैं सामग्री आपको कुछ थोड़ी बहुत भेज दूंगी। हाँ जी, जरूर, धन्यवाद। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैम ऑलरेडी बनाया हुआ है। जी हेलो,
बाय। हेलो हेलो
हेलो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू काइंडली वेट फॉर 5 मिनट्स एंड बाबू सर विल जॉइन फॉर द क्लास फॉर द सेकंड आवर. यू जस्ट ही इज टेकिंग अदर क्लास फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर. ही विल कम. यू काइंडली वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स. ही इज फिनिशिंग द क्लास एंड कम. ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू. दोस्तों नमस्कार, आपका आज दूसरे दिन की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है. और नमस्ते जी. नमस्ते जी. और कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास नमस्ते में जी. नमस्कार, आदिकाल के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की थी और आदिकालीन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की और फिर आदिकाल का साहित्य का स्वरूप क्या है संक्षेप में समझने की कोशिश की थी. तो आप जानते हैं पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में हमने विभाजित किया है. तो एक आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा काल, तीसरा युग जो है उसको रीतिकाल या रीति युग कहते हैं और चौथा जो आधुनिक युग जिसको हम कहते हैं. तो आज हम दूसरा जो भक्तिकाल है तो उसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समझकर फिर भक्ति साहित्य का स्वरूप क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो वैसे 1 घंटे भर का समय जो 60 मिनट का समय है बहुत ही सीमित समय होता है क्योंकि विषय इतना विस्तृत है कि उसको समझने के लिए ये समय काफी नहीं होता.
तो फिर भी मैं साहस करूंगा कि आपके सामने उस बात को पेश करूं जो है। लेकिन आप जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, तो उसके बाहर जाकर कुछ नई चीजें आपके सामने आना चाहिए, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य आपके सामने आना चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं अपनी एक प्रस्तुति के माध्यम से, ताकि सीमित समय में हम बात को कवर कर सके, मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करूं। आप सवाल के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार ना करें, तो आप सवाल बीच में भी पूछ सकते हैं। जस्ट मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक मिनट ले लेता हूं। इस एक मिनट में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूंगा आपको, फिर जवाब दे दूंगा, बोल सकते हैं। तो मैं एक मिनट अपना प्रेजेंटेशन खोलने में समय ले रहा हूं। कोई आप पूछना चाहेंगे, कुछ पूछ सकते हैं, एनीथिंग, कल के भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर आज जैसे हम बात करने जा रहे हैं भक्ति काल को लेकर, तो भक्ति काल में सबसे पहले हम भक्ति काल के दार्शनिक, भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों को लेकर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे भक्ति काल को लेकर, उसकी परिस्थितियों को लेकर। लेकिन इसमें उतना विस्तार से कल जैसे हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज काफी बातें हमें करनी है, और एक दिन में इतनी सारी बातें एक घंटे भर में करने में दिक्कत है। फिर भी देखेंगे कितना मैं आपको कर पाऊंगा, तो एक घंटे भर में जस्टिस इसके साथ, इस विषय के साथ। तो मैं तीन प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले भक्ति से संबंधित, भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों से संबंधित बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कल भी मैंने कहा था, भक्ति द्राविड़ उपजी, एक फेमस स्टेटमेंट है ये काफी कई सारे आलोचकों ने इस बात को कही है। तो जिन आलोचकों को भी आपने पढ़ा, जरूर ये पुष्ट करेंगे कि भक्ति की जो धारा प्रवाहित हुई वो दक्षिण से हुई। जैसे मैंने कल कहा था कि दक्षिण में शंकराचार्य जो कालड़ी में जन्म लिए थे, तो वो आसेतु हिमाचल, मतलब आपको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो भ्रमण करते हुए, तो पंडितों के साथ जो भी वाद किया उन्होंने, चर्चा की, और उसके आधार पर हम कहेंगे कि भक्ति का जन्म जो है दक्षिण में हुआ था। अच्छा, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कोई कि मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो मैं अभी फुल स्क्रीन पे चला जाऊंगा, मतलब मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा, मगर मुझे आप लोग देखते रह पाएंगे। तो इसलिए कोई कुछ मतलब अपने चेहरे में कुछ भाव दिखाएंगे वो मुझे पता नहीं चलेगा, कुछ कहना चाहेंगे जरूर अनम्यूट करके तभी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट में आपको भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार को समझा दूं। पहले टेक्निकली इस बात को आप समझ गए, देन हर किसी को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम कोशिश करेंगे। तो जैसे भक्ति, धर्म और दर्शन तीन शब्द है आपके पास, तो भक्ति क्या है, फिर धर्म क्या है। कल धार्मिक मतलब आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा हमने की थी, तो धर्म क्या है, फिर दर्शन जिसको आप फिलॉसफी कहते हैं वो दर्शन क्या है। सो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम वर्ड्स के साथ नहीं जा रहे हैं, जैसे डिवोशन हो या रिलीजन हो या आपके दर्शन जिसको आप कह रहे हैं। यहाँ रिलीजन के नाम से भी धर्म को मैंने नहीं कहा, कल ही मैंने समझा दिया था राइटियसनेस के अर्थ में लेना चाहिए, और रिलीजन के अर्थ में तो उसको लेना चाहिए जो आपका संप्रदाय हिंदी में कहते हैं। तो धर्म को राइटियसनेस के रूप में ले लीजिए, फिर दर्शन फिलॉसफी के रूप में। तो भारत के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक ज्ञान पूरी दुनिया को देने वाला देश है, और भारत के संबंध में ये भी कहा जाता है कि यह दुनिया के लिए गुरु है इसी दृष्टि से, और सबसे पुराना मौखिक परंपरा से जो भी दुनिया में साहित्य की बात कही जाती है वो भारत के अपने वेद है। तो ये जो मतलब भारतीय चिंतन जो है पहले से,
भक्ति, ईश्वर की उपासना, आराधना, पूजा, सेवा इसके साथ प्रेरित है पहले से, और हम जो भी हमारा जीवन है तो इस जीवन की सार्थकता हम उस दृष्टि से मानते हैं। इवन हमारे पास जो चतुर्विध पुरुषार्थ की जो बात होती है तो उसमें भी जिस मुक्ति की बात हम करते हैं अंतिम, उस मुक्ति का उद्देश्य यही है कि हम इन सांसारिक यातनाओं से मुक्त होकर हम ईश्वर को पालें। तो फिर ये सारी जो भी बातें हैं, जो भी आपको संत लोग बताते हैं, आपको कई सारे आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो और बाकी जो भी हो, इन सबको जो पढ़ते हैं तो उसमें हम जिसको कह रहे हैं ईश्वर वो कौन है, उसको लेकर सैद्धांतिक दृष्टि क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। ईश्वर कौन है? तो सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, ईश्वर हो, ब्रह्मा हो, भगवान हो, देवता हो, जो भी हो, वहां पे शब्द अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा कौन है, तो ब्रह्मा कौन है, ये जो शब्द है, तो दार्शनिकों ने ये जो शब्द प्रयोग किया है तो इसमें ये तो एक बात कही जाती है कि ब्रह्मा जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब बदलने वाला नहीं है, हमेशा के लिए रहता है, और वो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला और सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान और सर्वांतरयामी है, जहां चाहे जिस तत्व में चाहे वो उपलब्ध है। तो ये सारी बातें आप तो पहले से सुन चुके हैं, लेकिन अब हम भक्ति साहित्य को जब पढ़ रहे हैं तो भक्ति के मूल बिंदु क्या है, मतलब जिसके सैद्धांतिक बातें कही जा सकती है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ईश्वर जो कह रहे हैं, ईश्वर कौन, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ जाता है। तो ईश्वर के संबंध में जो भी बातें कही गई है तो उन बातों को यदि हम उस दृष्टि से यदि समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आप कहते हैं शंकराचार्य का अद्वैतवाद, तो उस दृष्टि से या किसी और भी वाद की दृष्टि से आप समझने की कोशिश कीजिए, तो पहले हम शंकर के परिप्रेक्ष्य में ही देखेंगे, तो उसको फिर हर किसी परिप्रेक्ष्य में आप उसको बदल सकते हैं, तो बहुत आसान है समझना। तो अब दूसरी बात, जैसे निराकार, तो ईश्वर को किसी ने देखा तो फिर कहते हैं नहीं, तो नहीं देखा, तो महसूस किया, हाँ महसूस किया, मन में है, हाँ है, तो कैसा होता है उसका आकार, कुछ तो आप वर्णन करते हैं, कोई कहता है निराकार, निर्गुण, ये सारे कहते हैं। तो फिर ये अवतार को लेकर भी, अवतारवाद को लेकर भी बातें आ जाती है। इस सारी पर्सपेक्टिव्स में थोड़ा मैं ब्रीफ करते हुए आगे जा रहा हूँ, क्योंकि हमें वहां जाना है, सबसे मूल बिंदुओं पे जाना है। तो ये भी आपके पास पीपीटी आ जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है हमारे पास ऋग्वेद है, तो वेदों में क्या बात कही गई है, मतलब वेदों का सार जो है वही आपको वेद प्रवचन के रूप में, वेद का विश्लेषण के रूप में शंकराचार्य जैसे कई सारे धर्म प्रवर्तकों ने आपको बातें स्पष्ट की है, तो वो बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का मतलब क्या है। जैसे आपने सुना था, जैसे यहाँ पर मैं सभी मतलब अपभ्रंश साहित्य को लेकर, फिर जैसे स्वयंभू का, पवन चेरगु हो, पुष्पदंत का, महापुराण हो, दंतपाल का, भविष्यत कहा हो, ये तमाम जो साहित्य है, तो यहाँ से लेकर आपको इसको हम कहते हैं पवन चेरगु को आदिकाव्य कहते हैं, हिंदी का मतलब अपभ्रंश का भी आदिकाव्य कहते हैं, और स्वयंभू ने स्वयं लिखा है कि उनसे पहले भी कई कवि हुए थे, लेकिन वो उनकी रचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तभी तो इसको हम प्रथम रचना मानते हैं अपभ्रंश का। तो वहां से लेकर भक्ति की जो धारा है, तो आज तक आप भी लिख रहे होंगे जरूर, कुछ भक्ति काव्य लिखते हैं, भक्ति रचनाएं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई आज भी भक्ति को लेकर बातें करते हैं, लिखते हैं। तो भक्ति की जो विविध भक्ति की जो धारा है निरंतर प्रवाहित हो रही है, तो इसमें हम उन सैद्धांतिक बिंदुओं पे जाएंगे, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये दार्शनिक आधार क्या है, तो स्पष्ट हो जाएगा हमें। तो जैसे हम निर्गुण संतों की दृष्टि से यदि देखते हैं, निर्गुण ब्रह्मा कहते हैं, मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, और वो मतलब हम जैसा नहीं होता, तो ये बात निर्गुण ब्रह्मा को लेकर कहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्मा हर तत्व में जीवित है बोलते हैं वे, तो उस रूप में जो मतलब पूरी सृष्टि में वे हर रूप में वो मूर्तिमान है, तो ये मानते हैं। तो
तो वे कहीं भी कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते, निर्गुण पंथी। तो ये सारी बातें हम आगे तो देखेंगे, और ऐसे आपको कबीर, नानक, रैदास, ये सारे दादू, सुंदरदास, ये सब आए हैं। तो इन्होंने तो ये इसी दर्शन को माना है। तो ये दर्शन क्या है, इसको हम अद्वैत दर्शन कहते हैं। इस अद्वैत दर्शन का आधार तो आपका ऋग्वेद और आगे के वेद और संहिताएं हैं। तो शंकराचार्य ने जिस अद्वैत की बात कही है, तो उन्होंने इन चार तत्वों को लेकर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले ईश्वर को लेकर उन्होंने एक बात कही है, तो अहम ब्रह्मास्मि। तो उस बात को यदि समझेंगे तो ईश्वर कौन, तो देखिए अहम कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं कह रहा है शंकराचार्य। तो वो आपके संबंध में भी वही कह रहा है, जैसे ब्रह्म हो, माया हो, जीव और जगत और अंतिम मोक्ष, तो इनके संबंध में उनका नजरिया क्या था, उनकी दृष्टि क्या है। तो ये हर संत कवि के दृष्टि से आप समझेंगे, हर किसी की बात फिर वही जाकर शंकराचार्य की बात जैसी लगेगी, फिर शंकराचार्य की बात फिर आपके वेदों में जो बात कही है वैसे लगेगी, और ये दूसरे तीसरे आप जिसको संप्रदाय कह रहे हैं उनकी परिप्रेक्ष्य में भी आप समझने की कोशिश कीजिए, कुल मिलाकर वही बात, तभी तो सभी धर्मों का सार एक कहा जाता है, तो वही बात है। तो हम जिसको ब्रह्मा कह रहे हैं, कोई मतलब साकार रूप में उसको मानते हैं, कोई निराकार रूप में मानते हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो सुप्रीम मानते हैं। और जीव का मतलब हम है, तो जीव सभी जीवधारी जो भी है जिसमें प्राण है वो जीव कहा जा रहा है। तो जबकि ब्रह्मा में जीव है कि नहीं, तो ये सवाल आप उठाते हैं। फिर माया कौन है, तो इन सभी बातों की जो चर्चा है संक्षेप में हमें करना है, तो ये सैद्धांतिक बातें हैं। तो ब्रह्म जो है, तो ब्रह्म की अवधारणा जैसे शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, तो ये वो अनंत है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, वो परम सत्ता है, वो ब्रह्म है, उन्होंने भी यही माना है और वेदों में भी यही बात कही गई है। तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम ब्रह्म को समझते हैं और शंकर की वाणी में उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्म तत्व कोई और तत्व नहीं है, तो वो तत्व हमारे अंदर ही है। तो उस दृष्टि से हमें एक निर्णय लेकर आगे बढ़े, तब हम बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो ब्रह्म जो है, ईश्वर, ये सारी जो भी बातें हैं यार, थोड़ा रिपीटेशन आपको लग रहा है। तो कबीर ने कहा, अलक निरंजन लकई न कोई, निरभय निराकार है सोई, सुनी अस्तूल रूप नहीं रेखा, दिष्टि अदिष्टि चिप्यो नहीं रेखा, अगम अगोचर गमे नहीं, तहां जग मगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी, जहां पाप पुण्य नहीं होती। तो इस रूप में उन्होंने ब्रह्म को लेकर जो भी बातें कही, दादू दयाल ने भी उसी बात को रिपीट किया, जब पूर्ण ब्रह्म विचारिए तब सकल आत्मा एक, मतलब हमारी आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म मान लीजिए, तो हमारी आत्मा में ही ब्रह्म विलीन है। तो आत्मा में हम जिसको पहचान नहीं पा रहे उसको परमात्मा कह रहे हैं, तो वो बाहर की आत्मा मान रहे हैं। जबकि आप जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो वो ब्रह्म तत्व आप में विलीन है, तो उसको आप अलग मान रहे हैं, तभी तो वो दूसरे के रूप में दिख रहा है। उसी को अद्वैत का मतलब क्या है, दो नहीं है, ब्रह्म और जीव दो तत्व नहीं है, दोनों एक है। तो ये शंकराचार्य का कहना है कि दोनों एक है, तो आप दूसरे को अलग क्यों मान रहे हैं। तो उसके संदर्भ में उनका कहना है कि यहाँ पे मैं उन सभी संतों की बातें जो है जस्ट आपके लिए एक जब स्लाइड्स शेयर करूंगा, तो इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घंटे भर में जैसे हमें कई सारी बातें करनी है, तो सैद्धांतिक रूप से आपने ब्रह्म को यदि समझ लिया, तो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि जीव कौन है। तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, बात तो मैंने कह दिया था। तो फिर जीव तो वही है जो ब्रह्म है, और ब्रह्म वही है जो जीव है, इन दोनों में आप फर्क एक बार दिखा सकते हैं प्लीज, किसको, प्रीवियस स्लाइड, यस यस यस, हाँ, सुंदरदास के विचार है यहाँ पे ब्रह्म के संदर्भ में। सुंदरदास ने तो ब्रह्म निर्गह निरामय निर्गुण नित्य निरंतर निरंजन और न भासे, तो मतलब ये निरामय है, निर्गुण है, नित्य, निरंजन और न भासे, आपको
महसूस ही नहीं करते आप। ब्रह्म अखंडित है, अग ऊपर बाहिर भीतर ब्रह्म प्रकाश है, मतलब आपके अंदर में है, आपके बाहर में, सर्वत्र ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो इस दृष्टि से हर कोई संत ने वही बात कही है। तो शंकराचार्य की दृष्टि से इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। तो अद्वैत दर्शन के संबंध में जीव और ब्रह्म के बीच में फर्क को माया के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जैसे अंधकार में आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए अंधेरे में आप बाहर जा रहे हैं, तो कहीं आपने तो एक कुछ कोई चीज देखी, तो अंधकार में उसको देखते ही आप डर जाते हैं। कारण क्या है, आपके दिमाग में आ गया कि वो कोई सांप है, तो डर के मारे भाग जाते हैं। तो फिर मान लीजिए अगले दिन उसी रास्ते से आप जा रहे हैं, जाते जाते आपके दिमाग में जरूर वो बात आ जाएगी कि हाँ इस रास्ते में मैंने रात में कल सांप देखी थी। तो फिर जाते जाते वहां तक पहुंच गए, फिर वहां पे वो है, तो फिर सांप है जैसा आपको लगेगा। तो आप जाके गौर से थोड़ा देखते, क्योंकि आपको रोशनी है तो इसलिए थोड़ा साहस बांध के आप आगे जाते हैं, तो वहां स्पष्ट हो जाती है तो वो रस्सी है। तो रात में क्या हुआ था, रात में उसने सांप मान लिया तो आपको मतलब वहां ढंग से वो दिखा नहीं था, तो फिर अभी दिख रहा है तो स्पष्ट है बात, वो तो रस्सी है, तो उसको हाथ से भी छू सकते हैं आप, स्पर्श भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं आप, गले में डाल सकते हैं। वही रात में सांप है तो डर के मारे भाग गए थे आप। मतलब यहाँ पे आपने रस्सी को देखकर रात में जो माना कि सांप माना, वो किस वजह से माना, आपके भ्रम की वजह से माना, तो मतलब ये माया है। तो यही जो है आत्मा और परमात्मा या जीव और ब्रह्म का जो फर्क है, तो इस रूप में शंकर समझा देते हैं। मतलब आप जीव जो है, जीव ही स्वयं ब्रह्म है, तो आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन उसको पहचान आप में सक्षम नहीं है, तो आप दूसरे को देख के बोल रहे हैं कि वो परमात्मा है। तो वैसे भ्रम फैलाने वाली माया ही है, माया की वजह से ही आप ऐसे सोच रहे हैं। तो ये एक दूसरी बिंदु है जीव की, और तीसरी माया की बात हमने की है। फिर दुनिया की बात आती है, चौथी बात दुनिया है। तो यहाँ दुनिया जो है, तो दुनिया को लेकर शंकराचार्य ने कहा, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा। तो मतलब ब्रह्मा जो है सत्य है, जिसको हम ब्रह्म तत्व मान रहे हैं वो सच है, और पूरी दुनिया जो है जिसको हम सच मान रहे हैं वो झूठा है, ये बात कहा। तब तो शंकराचार्य के साथ आप भी तैयार हो जाते हैं उनसे डिबेट करने के लिए, क्योंकि आप चारों तरफ जो भी देख रहे हैं तो वो सब सच है। जैसे मान लीजिए मुझे आप एक दृश्य में देख रहे हैं, आप मोबाइल से वॉच कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर से वॉच कर रहे हैं, आपके मोबाइल से मुझे देख पा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा आपका कंप्यूटर आपके हाथ में जो भी है, आपका मोबाइल जो हाथ में है, ये सब मिथ्या है, मैंने कहा, या पूरी दुनिया आप जिसको यथार्थ में स्पर्श कर पा रहे, देख पा रहे हैं, ये मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म के बारे में कहा, ब्रह्म को जिसको आपने देखा भी नहीं है, कहा कि सत्य है। तो ये जो दो बातें हैं इसमें, जैसे शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये है जगत के संबंध में एक आध्यात्मिक की दृष्टि। मतलब आप जब तक आप माया के प्रभाव में जाते हैं, जीव स्वयं ब्रह्म होने के बावजूद माया के प्रभाव से वो समझ नहीं पाता, तभी दुनिया को ही वो यथार्थ मानता है, दुनिया को भी सच मानता है, लेकिन दुनिया वो सच नहीं है तो वो कहता है। तो फिर हम कबीर की दृष्टि से जब देखते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहियो ज्ञानी। मतलब ज्ञान की दृष्टि से वे कहते हैं कुंभ में जल, तो मान लीजिए यही कुंभ, मान लीजिए एक मिनट के लिए इस टम्बलर को जिसमें मैं पानी दिखा रहा हूं, कुंभ में जल मतलब घड़े के अंदर पानी। तो मान लीजिए ये घड़ा तो एक तालाब में है, या एक कुएं में है, या एक सागर में है, तो सागर की बात ही सोच लीजिए, तो बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, तो कुंभ में जल, जल में कुंभ, जल में कुंभ मतलब ये सागर के बीच में है, और कुंभ में जल, और बाहर और भीतर दोनों पानी है, अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, तो मतलब ईश्वर तत्व जो है अंदर भी है बाहर भी है। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, मतलब इसको तोड़ दीजिए आप तो ये फूट जाए, तो क्या है, इस पानी में वो पानी मिल जाता है, अब इस पानी को उस पानी को अलग नहीं मान सकते, अब पूरा मिल चुका है। तो यही है ब्रह्म और जीव का फर्क। मतलब हम अलग अलग जो मान रहे हैं वो अलग नहीं है,
तो ज्ञानी तो यही कहते हैं, इस तथ्य को आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे संतों ने कहा है। तो जगत के बारे में अभी मैंने बता दिया था, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कंडित मूल विनाश कहे किम विगत की जय, जू जल मैं प्रतिबिंब त्यू सकल राम ही जानी जय। तो इस प्रकार संतों ने, कबीर दास ने जो बात कही है, मतलब जब ब्रह्म अपनी लीला का स्तर विस्तार करता है तब इस नाम रूपक जगत की सृष्टि होती है और जिसे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। तो जिसको जगत आप मान रहे हैं वो जगत वास्तविक जगत नहीं है, तो वो मिथ्या जगत है, यही तो बात शंकराचार्य ने कही थी। तो यह चार तत्वों को आपने समझने की कोशिश की है ये जो आपके 15-20 मिनट की जो चर्चा के अंतर्गत। तो इसमें हमने ब्रह्म को समझा और फिर जीव को समझा और फिर माया को समझा, फिर जगत को समझा। तो वही बातें इस प्रेजेंटेशन में है, तो इस प्रेजेंटेशन को मैं यही रोकना चाहता हूं ताकि हम भक्ति काल को लेकर काफी बातें हमारे पास रह गई है तो हम केवल इसमें उलझ के रहेंगे तो कई सारी बातें छूट जाएंगी। तो इसलिए क्षमा चाहता हूं आपको, दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आप इसमें देखेंगे भक्ति काल की क्या परिस्थितियां रही हैं, लेकिन परिस्थितियों के बारे में भी हम विस्तार से नहीं बात कर पाएंगे। तो उसमें जैसे भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां और भक्ति काल के आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या रहा है, तो ये इसमें मुख्य बिंदु है। लेकिन यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन तो एक बहाना है मेरे सामने, तो मैं कुछ और बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो भक्ति काल जिसको हम कह रहे हैं, तो उस भक्ति काल का स्वरूप क्या है हिंदी साहित्य में, इसको आप चार कालों में फिर विभाजित करके देखते हैं, मतलब चार अलग अलग तत्वों के रूप में विभाजित करके देखते हैं। तो एक तो आप निर्गुण भक्ति के रूप में देखते हैं और फिर एक सगुण भक्ति के रूप में देखते हैं, और इसी निर्गुण को ज्ञान मार्गी कहते हैं और फिर सगुण भक्ति अपनी जगह है। तो इस निर्गुण में फिर दो पंथ हैं, तो जिसको ज्ञान मार्ग कहा वो एक पंथ है और दूसरा पंथ है वो प्रेम मार्ग। तो ज्ञान मार्गी संत और प्रेम मार्गी संत, इन दोनों को मिलाकर आप कह रहे निर्गुण पंथी कहते हैं, और जो मतलब साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं उनको सगुण कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति एक सगुण भक्ति, तो ये दोनों बातें हो गई। और दूसरा जो फिर सगुण भक्ति में ही आप देखेंगे, एक तो विष्णु के दो अलग अलग जो रूप है, तो मतलब उनके अवतार है, अवतारवादी मतलब अवतारवाद पर विश्वास करने वाले उनको राम के रूप में देखते हैं, कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो इसलिए हिंदी साहित्य में आप देखेंगे राम भक्ति शाखा एक है और कृष्ण भक्ति शाखा एक है, तो ये दो अलग अलग शाखाओं का विकास हो गया। तो आपके सामने जैसे सबसे पहले मैंने कहा एक तो निर्गुण कहा और सगुण कहा, तो फिर निर्गुण के अंतर्गत मैंने ज्ञान मार्ग कहा और फिर प्रेम मार्ग कहा। तो इससे संबंधित अलग अलग एक एक शाखा से संबंधित काफी विस्तृत साहित्य है हमारे पास, और ये साहित्य जैसे हमने माना है कि लगभग 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, भले ही भक्ति काल की सीमा बताई गई कि आपको जो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य इतिहासकारों की दृष्टि से जो 13वीं-14वीं सदियों के बीच की जो मानते हैं, लेकिन अभी अभी जो बातें की है मैंने उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा जो जैन साहित्य है और उसमें रामायण की बात जो आदि काव्य मैंने कहा पोम चिरमु को लेकर, तब से लेकर फिर अब तक की जो साहित्य है उसको भी हम भक्ति काल के अंतर्गत ही मानते हैं। तो इसलिए यहाँ काल की सीमा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बस मध्य काल में जो आरंभिक पूर्व काल है उसको हम भक्ति काल हम कह चुके हैं, कल मैंने स्पष्ट किया था। तो उस दृष्टि से जो चार कालखंडों में हम देख रहे हैं तो वो दूसरा कालखंड है, और इसका जैसे अवधि अलग अलग साहित्यकारों के हिसाब से अलग अलग अवधि इसको मानते हैं, और इसमें केंद्रीय तत्व जो है भक्ति है, और इसमें जो भी कवि हुए उनको कवि नहीं कहेंगे, पहले भक्त कहेंगे उसके बाद कवि कहेंगे, ठीक है। सो इन भक्तों ने जो भी साहित्यिक रचना की है तो उनका उद्देश्य जो है, कोई साहित्यकार कहलाने के उद्देश्य से किसी ने रचना नहीं की है। आजकल जो है कुछ लिखते हैं और प्रचार करते हैं और बोलते हैं मैंने ये लिखा वो लिखा, उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा, जो भी अपने हृदय उद्गार थे मतलब अपने मन की बातें थी वो प्रकट करते थे, और उसमें तो पूरी दुनिया की बातें आ जाती थी, मतलब
सहज रूप से उनकी बातें सामने आ जाती थी, उसमें उनका आध्यात्मिक चिंतन सामने आ जाता था। तो इसलिए पहले वाला इसके जी हाँ, इसमें जैसे मैंने पीरियड की बात कही है ना, यहाँ पे 1318 से लेकर 1643 तक, इसको मैंने रिवाइज करके तो आपको बताया, मतलब ये इतिहासकारों के हिसाब से एक एक इतिहासकार एक अवधि बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही आपको बाकी पीछे ले गया, 8वीं सदी से लेकर तो आप 17वीं सदी और आगे भी, मतलब बीच में जो आप रीतिकाल को छोड़ दीजिए, फिर आज भी जरूर तो वो उपजीव काव्य लिखे जा रहे हैं, मतलब रामायण आधारित, महाभारत आधारित बहुत सारे उपन्यास आ रहे, कहानियां आ रही है, बहुत सारी बातें आज भी लिख रहे हैं, फिर से रामायण लिख रहे, फिर से महाभारत लिख रहे हैं। तो व्यास ने जो भी लिखा और वाल्मीकि ने जो भी लिखा तो उनको वैसे रहने नहीं दिए, फिर आप फिर से लिख रहे हैं। तो इन सबको भी आप, इसमें भक्ति तत्व है तो केंद्रीय बात भक्ति है, तो उन सबको भक्ति साहित्य में आप मान रहे हैं। तो इसलिए लेकिन हम मध्यकाल के जो भी संत है उनको, उनके संबंध में कह रहे हैं, ये तो भक्त पहले थे फिर बाद में कवि, हर किसी के संबंध में वही बात आ जाती है। तो उन्होंने बस आप तो देखिए, उन्होंने सच्ची निष्ठा और गहरे अनुराग और तीव्र भावात्मक उद्वेग के साथ ही उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। जैसे तुलसीदास ने कहा था, जो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो मतलब उनका मानना यही था कि वो अपने लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे वो अपने लिए नहीं लिख रहे, परार्थ के लिख रहे हैं। तो मतलब भक्ति फैलाते हुए, तो हर किसी को आप कौन है समझने का मौका वे दे रहे थे। तो और समन्वय की भावना उनमें थी। तो मतलब जिसको आप कह रहे हैं एक कवि के रूप में मान रहे हैं, लेकिन उनके संबंध में कहा गया कि वो भक्त थे निश्चित रूप से, और यदि भक्ति के नाम से वो कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें सार्वजनिक हित है और पूरी दुनिया का हित है। मतलब ईश्वर प्राप्ति से संबंधित जो रास्ते हैं, वो रास्ते आपको कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते वे लोग नहीं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप बचपन में कोई कहानियां पढ़ते हैं तो उस कहानियों में लिखा होता था कि सात समुंदर पार किसी का प्राण है, तो ऐसे मतलब आपको ईश्वर को पाना है, सात समुंदर पार करना या 3 लोक पार करना, ये सब बातें करते भी हैं तो बस वो तो प्रतीकात्मक करते हैं, लेकिन इतना सरल मार्ग कहते हैं तो उसको पाना तो बहुत आसान है कहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे, आप किसी भी, आप रामचरितमानस को देखिए और इवन आप किसी और ग्रंथ को देखिए, उसमें भी भक्ति के नाना प्रकारों का वर्णन है। तो एक तो 9 प्रकार के साधना पद्धतियों का माना गया, केवल ये 9 ही नहीं है और कई है। तो ये जो 9 पद्धतियां मानी गई, ये रामचरितमानस और हिंदू तत्वों में ये सारी बातें आ जाती है। एक तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें एक तो श्रवणम सुनना, मतलब हम जिस ईश्वर की चिंता करना चाहते हैं उसके बारे में हम बार बार सुने, श्रवणम। कीर्तनम आप उनको लेकर गाएं, स्मरणम उनका स्मरण करें, याद करें। पाद सेवनम उनके पैरों की सेवा करें, उनके पादों की सेवा करें, है ना, उनके चरणों की सेवा करें। और अर्चनम तो अर्चना करना, वंदना करना और उसके दास बन जाना, उससे दोस्ती करना, सख्य। जैसे आप सूरदास के बारे में जानेंगे, सूरदास कृष्ण के भक्त नहीं है, यहाँ पे एक गलती होगी, 8 के बाद 9 लग जाना था, 8 लगा हुआ है, उसकी चिंता ना कीजिए। अंतिम जो है 9वां जो है आत्मनिवेदनम। तो जैसे आपको तुलसीदास को आप पढ़ेंगे, तुलसीदास की एक रचना है तो जिसमें वो आत्मनिवेदन करता है, तो ईश्वर से कहता है कि वो चिट्ठी लिख देता है ईश्वर को, पूरी चिट्ठी राम के पास चिट्ठी भेज देता है, तो उस चिट्ठी में पूरा आत्मनिवेदन है। तो सख्य से, सख्य भाव आप तो समझ गए, दोस्ती मनाना, तो कृष्ण को वो तो दोस्त मानते थे। तो यहाँ जो ये 9 प्रकार के साधन है, 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये केवल संकेत रूप में है, तो और हर किसी का हर किसी प्रकार की भक्ति हो सकती है, इसको बस हम समझने के दृष्टि से। और भक्त जो है मोक्ष की कामना छोड़कर ईश्वर का जो प्रेम है, उसकी कृपा है, उसी को पाना चाहता है। मतलब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊं, वो लक्ष्य आपके जो 4 लक्ष्य जो कहे गए, तो उसमें अंतिम लक्ष्य जो है मतलब मोक्ष है। लेकिन मोक्ष की दृष्टि से ने भक्त, वास्तव में आप तिरुकुरल को भी पढ़िए, तिरुवल्लुवर ने मोक्ष को लेकर बात नहीं की है, धर्म अर्थ काम पर बात कह के उन्होंने छोड़ दी है।
तो मतलब दुनिया में ये इनके साथ ही आपकी मुक्ति संभव है जैसा। इसलिए मोक्ष की बात छोड़कर वो ईश्वर के साथ प्रेम अनुराग और उनकी कृपा प्राप्त करने का लक्ष्य ही भक्त बना लेता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अहित की भक्ति, मतलब कोई हेतु नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए जैसा सवाल ही नहीं होता, वही अहित की भक्ति है। और निर्गुण लोग ऐसे ही भक्ति करते थे, निर्गुण संत। तो ये भक्ति के स्वरूप को लेकर जो धर्म धार्मिक कर्म कांड है, जैसे पूजा करना, मंदिर में जाना, वहां अर्चना करना, ये सब जो भी है इनको कर्म कांड के रूप में मानते हैं। और इनकी वजह से ये सारी विकृतियां आ गई है ये माना जाता है। तो मंदिरों में जो लोग जा पाते थे तो वो मंदिरों में जाते थे और वहां पे अवतारवादी पुरुषों को देखते थे और वहां मूर्तियों को मानते थे। लेकिन जो निर्गुणवादी संत आए तो वे इनको तो एकदम पाहन पूजे हरि मिलाए तो मैं पूजू पहाड़, कबीर ने कहा। मतलब आप लोग पत्थर को पूज रहे हैं, तो पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि पहाड़ में तो इतने पत्थर हैं। तो बस आप देखिए वो विचारधारा कि मतलब आप अंधविश्वास इसको मानने लगे हैं। तो एक पंथ वो है, एक दूसरा पंथ वो है। मतलब भक्ति के यहाँ पे हम सीमित मार्ग बता रहे हैं और सीमित साधन बता रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड इसको मान लीजिए। जो जो है वो अपनी अपने विवेक के अनुसार उसको वो मानता जाता है, तो अपने ढंग से उसको एक रास्ता खोज लेता है और उस तरीके से वो है ईश्वर को समझने की कोशिश करता है। तो दक्षिण में आप जानते हैं, दक्षिण से मतलब भक्ति द्रविड़ उपजी जो बात कही जा रही है, यहाँ आलवार और नायनमार संतों की बात की जाती है। ये सब आप चूंकि दक्षिण के कई सारे लोग यहाँ पे हैं, इनके संबंध में आप जानते हैं। सो 12 आलवार और 64 नायनमारों की जो बातें की जाती है यहाँ पे, ये जो भक्ति परंपरा है ये काफी विकसित परंपरा है। और यहाँ पे इसके अलावा कई सारे भक्ति धाराएं जो प्रचारित हुई है, सो रामानंद के माध्यम से फिर यहाँ से उत्तर की तरफ ये सारे भक्ति साहित्य पहुंच गया। तो तभी हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल को लेकर 13वीं सदी से और 16वीं 17वीं सदी तक की जो बातें कर रहे हैं। तो ये काफी व्यापक आंदोलन था और भक्ति की शुरुआत ही दक्षिण से मानते हैं, फिर उत्तर में उसकी आगे विकास की बात हम मानते हैं। फिर दक्षिण में आप देखेंगे जैसे 4 प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ पे, तमिल में आप यहाँ तक कि ईसा पूर्व के भी ग्रंथ आपको मिल जाते हैं, वैसी स्थिति फिर तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ की भी है। तो इन तमाम चारों भाषाओं को प्राचीन भाषाओं के रूप में माना गया और इन तमाम भाषाओं में काफी समय पूर्व से ही आपको रचनाएं मिलती है। जैसे आप तिरुकुरल के संबंध में मानते हैं 1वीं सदी या 1वीं सदी से पहले की है, तो मतलब ईसा पूर्व की भी हो सकती है। तो तब तो आपके पास वो कई 2500 वर्ष पूर्व की रचना है। तो उस ढंग से आप देखेंगे कहीं आपके पास 3-4 हजार वर्ष पूर्व की रचनाएं भी मिल रही है। तो इतनी बड़ी लंबी परंपरा जो है दक्षिण से विकसित हुई थी। और हिंदी साहित्य में ये एक सीमित परंपरा के रूप में भले ही सामने आती है, लेकिन इसका काफी विस्तार है। तो हम यहाँ पे भक्ति काल की जो भी राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां हैं तो उनकी बातों में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो कैसे ये परिस्थितियां विकसित हुई थी। और जैसे 1343 से लेकर 1647 तक की अवधि में जो मुसलमान शासकों का दौर था यहाँ पे, तो उस समय बाहर से आक्रमणकारी बन के सारे आए थे और इसमें कई प्रकार के वंशज थे। एक तो पठानों में लोधी, सैयद और तुगलक वंशों के सुल्तान, और फिर मुगल वंशों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सारे यहाँ पे शासन करते रहे। तो ये यही अवधि थी। तो इसको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप सुनेंगे तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बात कही है उसमें कई सारे विद्वान सहमत नहीं होते। उन्होंने ये कहा कि जब बाहर से आक्रमण होने लगे, यहाँ लोगों लोग जो है, पहले आप जैसे यहाँ वीर रसपूर्ण रचनाओं की बात उन्होंने खुद कही है, तो यहाँ के लोग काफी वीर थे, शूर थे, ये सारी बातें कही। फिर उन्होंने कहा जब बाहर से आक्रमण होने लगे और ऐसी दुर्भर परिस्थितियों में रहे, तब बस ईश्वर के शरण में जाने को लेकर एक ही रास्ता था उनके पास, दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए भक्ति का विकास हुआ वो कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से बाकी विद्वान सहमत होने के लिए तैयार इसीलिए नहीं है कि ये भक्ति का जो प्रवाह दक्षिण से
उत्तर की ओर जो गया है, यहाँ पे दक्षिण में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, कहीं ऐसे आक्रमण नहीं हुए थे, तब तो यहाँ क्यों भक्त हुए? तो यहाँ यदि डरपोक होते हैं, किसी से डर के मारे हम ईश्वर के शरण में यदि जा रहे हैं, तो यहाँ क्यों भक्त बनते? तो यहाँ की जो भक्ति की रसधारा, शंकराचार्य यदि डरपोक होते तो क्यों यहाँ से जाकर हिमालय तक जाकर वहां पे अपने मठों की स्थापना करते, फिर अपने वाद पे जीत जाते? तो ये सारी बातों को लेकर तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कई विद्वान सहमत नहीं होते। तो ये बात जस्ट आपके सामने मैं रखी, जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे उसमें विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। तो राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से जब हमने देखा ये सारे बाहर से आए हुए आक्रमणकारी शासक थे, तो इनके शासन में जो परिस्थितियां थी ये सब इतिहास में आप तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी जो परिस्थितियां थी इन परिस्थितियों में भक्ति का साहित्य कैसा विकसित हुआ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तो आप जानते हैं जैसे मैंने संतों की बात कही है, संतों ने कहा है कि जैसे संतन को कहां सीकरी सो का, तो यहाँ आप मुसलमान शासक हो या हिंदू शासक हो, जो उस समय के शासकों ने उनको आमंत्रित किया था, आप आइए हमारे दरबार में रहिए, लेकिन हर किसी संत ने सीधा ही कह दिया संतन को कहाँ सीकरी सो का, मतलब आपकी राज दरबार में हम जैसे संतों को क्या काम है, तो कोई काम नहीं है वहां पे। तो आप देखिए इवन जो भी जनश्रुतियां हैं आपको रामचरितमानस के संदर्भ में कही जाती है, तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो कुछ भक्तिभाव के साथ उसको रचा है, मतलब पुनर्सृजन किया है, तो ये काव्य जो है आपको मूलतः वाल्मीकि ने जिस रामायण को संस्कृत में रचा था, फिर से उसको रचने की क्या जरूरत थी, तो फिर से उसको अवधि में रचने की क्या जरूरत थी, लेकिन तो सोचा था कि जैसे कल भी मैंने कहा था कि संस्कृत को यदि आप जटिल भाषा मानते हैं या मतलब एक सीमित वर्ग की भाषा आप मानते हैं, तो जन जन की भाषा जो होती है, तो सामान्य जन की जो भाषा होती है, तो उसमें भी भक्ति प्रवाहित होनी है इसी दृष्टि से, क्योंकि आप मानते हैं तुलसीदास को समन्वयवादी। समन्वयवादी का मतलब तुलसीदास ने क्या किया अपने समय में, तो अपने साहित्य के माध्यम से तो अपने परिस्थितियों के बीच समन्वय लाने की भरपूर उन्होंने कोशिश की है, तभी तो उनके रामचरितमानस को देखिए, तो उसमें जैसे मैंने संस्कृत कहा और फिर आपको अवधि कहा, ये दो भिन्न छोर है, एक तो है एक सीमा में संस्कृत सबसे पहले विकसित भाषा जिसको कहा जा रहा है, तो फिर जैसे अपभ्रष्ट जो अपभ्रंश भाषा कही गई उसी से विकसित जो आप अवधि कह रहे हैं, तो फिर भ्रष्ट भाषा में जो रामायण है वो क्यों सबको पसंदीदा है? आप देखिए पूरे आश्रित हिमाचल, आप हिमालय में जाइए या आप कन्याकुमारी में जाइए, वहां पे किसी मंदिर में जाइए, आप वहां पर भी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां मंदिर में लिखी गढ़ी हुई देख पाएंगे, तो वो हनुमान चालीसा के नाम से हो या किसी और नाम से हो, वहां पे तुलसीदास आपको निश्चित तौर पे तमिलनाडु हो और किसी राज्य में हो तुलसीदास आपको मिल जाएंगे। ये आप सोचिए आज के जमाने में आपके पास ये सारे साधन जो भी है इससे प्रसारित होना एक बात है, तो उस जमाने में जैसे शंकराचार्य को कितने सारे जंगल पहाड़ियों को गुजरते हुए हिमालय तक जाना पड़ा, उनके पास कोई फ्लाइट नहीं था, ना कोई ट्रेन था, ना कोई और साधन थे, तो पैदल अपने पैरों पर निर्भर करते चलते गए। तो ऐसे जमाने में जब आपको एक समन्वयवादी जिसको लोकनायक कहते हैं आप तुलसीदास को, उन्होंने क्या किया, एक तो संस्कृत में उनकी रचना देखिए, तो शुरुआती जो भी पद्य है उसमें तो मतलब स्तुतियों के रूप में वो सारे संस्कृत में है, तो और दूसरा बाकी उन्होंने जो भी विश्लेषण किया उसके लिए अवधि का प्रयोग किया, तो इसमें दो भाषाओं के रूप में बीच में उन्होंने समन्वय किया, तो फिर अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा। तो ये बात है कि जिसको आप सगुण कह रहे हैं, सगुण जो है साकार रूप में ईश्वर को विश्वास करते हैं, तो जो अगुण कह रहे हैं मतलब निर्गुणवादी जो है, तो वो निराकार रूप में ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा का कोई आकार नहीं है, आप कोई मूर्ति को दिखाएंगे ये ब्रह्मा है वो नहीं मानेंगे, तो पत्थर है कहेंगे, तो फिर हाँ क्या इस पत्थर में आपका ईश्वर है, हाँ जरूर है बोलेंगे। तो ये जो तत्व है, तो अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा, मतलब ऐसे जो जो अलग अलग समाज में फैले हुए विचार हैं और विश्वास है, तो इसमें भी कोई भेद नहीं है, सब कुछ फिर उसी रास्ते में जाना चाहते, उसी ईश्वर को पाना चाहते, तो वो दृष्टि उन्होंने दी है। तो मतलब अपने समय में जो इस्लाम था और जो हिंदूवाद था, तो इन दोनों के बीच में भी समन्वय की कोशिश की है, हर ढंग से
तो आप देखेंगे कबीर के संदर्भ में कहा जाता है, तो कबीर पैदा हुए थे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, और फिर वो मुसलमान परिवार में पाले पोसे गए, और उसके संबंध में जो भी जनश्रुतियां आप किंवदंतियां आप सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें कहा जाता है जब कबीर की मृत्यु हुई तो दोनों मतलब हिंदू और मुसलमान लड़ने लगे आपस में, कहा गया कि ये हिंदू है वो मुसलमान है, तो अंतिम अंततः तो दोनों के लिए वो बराबर साबित हुआ। जो भी आप वहां पढ़ते हैं वो अपनी बातें, लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब यहाँ पे हम जो भेदभाव मान रहे हैं उन भेदभावों को कोई संत नहीं मानते थे, तो भक्ति का सार तत्व उसी में वो देखते हैं। तो यहाँ पे जीव और ब्रह्मा में ही फर्क नहीं है, जीव ही स्वयं ब्रह्मा है जब कह रहे हैं संत लोग, तो तब कितनी नुकीली बात उन्होंने पहचान ली है। हम आज भी खोजने जाते हैं किसी बाबा के पास जाते हैं, हम वो कुछ कहता है कि ये है ईश्वर है वो है, और खुद बाबा भी हमारे लिए ईश्वर बन जाता है और उस बाबा की पूजा हम करने लगते हैं, उसके पैरों को छूने लगते हैं। तो वो एक गुरु के रूप में तो इवन आपके कबीर ने भी महत्व दिया है, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो पै बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताई बोल के कबीर दास ने उसी समय गुरु की महत्ता की, और उनके पंथ में जैसे निर्गुण पंथ में जो जो निर्गुण संतों ने माना ईश्वर को, जैसे अद्वैतवादी दृष्टि से ईश्वर को माना उन्होंने, और जीव और ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं माना और कोई भेदभाव वो लोग नहीं रखते थे, और विशेषकर मैंने जो भी बाह्याडंबर है उनका विरोध करते थे, कबीर ने भरपूर इसका विरोध किया। और कबीर का पंथ एक था, जैसे तुलसीदास के संबंध में हम आते हैं, तुलसीदास का रास्ता समन्वयात्मक रास्ता था, तो जो वो सगुण रास्ते में थे, और तुलसीदास के साथ साथ हम सूरदास के पास भी पहुंच जाएंगे, तो सूर जो है सख्य भक्ति के साथ जो है आपके सूर सागर में देखेंगे कृष्ण भक्ति की विशेषता, जहां तक कि कृष्ण के बाल्य वर्णन से लेकर मैया का भीम बढ़ाएगी चोटी लोकर वहां पे लेकर वो कृष्ण के राजा शासक बनने तक की जो बातें उसमें लाते हैं, और कृष्ण भक्ति की जो बातें कहते हैं वो सारी बातें अपनी जगह है। तो हमारे पास जो सीमित समय है तो इसमें हमारे पास और 10 मिनट बचा हुआ है, 10-15 मिनट, इन 10-15 मिनट में हम पूरे भक्ति साहित्य के उस परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करना चाहिए, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपके सामने वो बातें ला रहा हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियों को पूरा ना पढ़ाकर बीच में सारी दूसरी बातें ला रहा हूँ, जिससे कि आप पूरे साहित्य को विस्तार से समझ पाए। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा फास्ट चला दूंगा ताकि दूसरे तीसरे प्रेजेंटेशन में भी हमें जाना है, तो जो भक्ति धाराएं अलग अलग है तो उसका किस दृष्टि से उनका विकास हुआ और चिंतन क्या था ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप मुगल बादशाहों में अकबर को लेकर, जो अकबर ने अलग ही एक अपने पंथ को चलाया था दीन ई इलाही के नाम से, उसके बारे में आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, मतलब उस समय जो धार्मिक सद्भावना की बातें हैं वो भी सामने आए थे, तो मतलब भक्त लोगों ने यही समन्वयात्मक कोशिश की है, तो वो सारी बातें इसमें भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में मैंने इसमें जोड़ के रखी है। तो चूंकि ये प्रेजेंटेशन आपके पास मिल जाएगा तब तो आप विस्तार से इसमें बात करेंगे। हम सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से और सांस्कृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से जो भी बात है तो उसमें कुछ चंद बातें, जैसे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तो उस समय सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में, भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में अपनी कृति जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित है उसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक दृष्टि से वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था प्रचलित है उसका निश्चित रूप इसी काल में निर्धारित हुआ, विवाह आदि एवं खान पान के मामले में जो प्रतिबंध पहले से चला आ रहा था उसे और कठोर बनाया गया। तो ये उनका विचार ये था कि मतलब जो जाति व्यवस्था है वो निश्चित रूप से इसी समय है, मतलब उस समय भी कुछ था लेकिन वो जाति व्यवस्था और आज की जाति व्यवस्था में फर्क वही है। तो उस समय संत लोग जो भी है एक एक को आप नाम लेते जाएंगे, कबीर का किस समाज से आए थे और रैदास किस समाज से आए थे और दादू दयाल किस समाज से आए थे, तो ये अलग अलग अपने अपने तो वर्णों से, मतलब जिसको आप कहते हैं कि अलग अलग वृत्तियों से जुड़े हुए परिवारों से ये लोग आए थे, लेकिन ये आपस में किसी के साथ मतलब भेदभाव ये नहीं मानते थे, बिल्कुल जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए, ज्ञान मोर करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान, कबीर कहता है, मतलब जाति को बिल्कुल नहीं मानता है कबीर। तो कबीर क्या है इतने प्रगतिशील है कि आज भी हम कोई ऐसे कबीर के जैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं तो एक रंच भर हमें
कहीं ना कहीं वो विश्वास आ जाता है जिसमें हम फिर सोचने लगते हैं वो एक अलग है, ये एक अलग है। तो ऐसे भेदभाव को समाप्त करने का संत मत जो है काफी प्रभावशाली था उस समय। तो पूरा भक्ति काल में आपको भक्ति साहित्य में ये भावनाएं आपको मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि सूरदास ने भी अपने सूर सागर के माध्यम से एक कोशिश की है, तो उसमें आप वहाँ जो गोपिकाएं श्री कृष्ण के और दोस्त जो आते हैं वहां पे उद्धव, और वो कहता है श्री कृष्ण निश्चित तौर पे वहां पे देखिए सूरदास ने किस बात को स्थापित करने की कोशिश की, तो क्या सगुण सक्षम है या निर्गुण सक्षम है, या निर्गुण महत्वपूर्ण है या सगुण महत्वपूर्ण है, इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे उन्होंने स्थापित किया देखिए। तो उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्मा की बात कहता है और फिर तो गोपिकाएं सीधी बात कह देती हैं, तो वहां पे मतलब निर्गुण पर सगुण की सफलता या उसकी विजय दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये केवल विजय की बात नहीं है, वहां पे समन्वय की बात है। तो मतलब तो उन्होंने अलग अलग भक्ति के मार्ग अपना कर भी जो है समाज में समन्वय लाने की भरपूर कोशिश की थी। तो जो जो भेदभावों की बात की तो इस पर यहाँ पे कुछ उल्लेख जो इस प्रेजेंटेशन में मैंने किया है कि मतलब उस समय के समाज में दो वर्गों में था, एक तो संपन्न वर्ग दूसरा गरीब वर्ग। तो और उनके अपने अपने जो धंधे थे, जैसे दलित किसान मजदूर जो भी आप कहते हैं उनके अपने श्रम संबंधी वृत्तियां थी, और बाकी शासक और पराक्रमी और व्यापारी अलग अलग वो वर्ग थे। तो फिर देखा जाए तो स्त्रियों की दशा जो है उस समय शोचनीय थी, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से हम देखेंगे तो और कुछ विशेषताओं के संबंध में हमें पढ़ने की जरूरत रह गई। जैसे यहाँ पे भक्ति काल का समाज परिवर्तन का दौर था समाज, और रूढ़ियुक्त सामाजिक वर्ग परंपरा को बदल कर प्रगतिशील सामाजिक वर्ग में परिवर्तित करने की कोशिश उस समय तमाम कवियों ने की थी। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं यही जस्ट रोक के आपको दूसरे प्रेजेंटेशन में ले जाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको भक्ति के दार्शनिक मतवाद जो है यहाँ पे जो विकसित हुए थे उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ताकि इस बहाने भी आप सबको समझने की कोशिश करें। जैसे अभी हमने जब शुरुआती चर्चा की है तब हमने बात की थी अद्वैतवाद, अद्वैत द्वा का मतलब दो है, द्वैत का मतलब दो है, तो द्वैत का मतलब दो है, मतलब ईश्वर अलग है जीव अलग है जैसा, या अद्वैत का मतलब दो नहीं है, हम दो के रूप में नहीं मानते। तो फिर कई सारे ऐसे आप दार्शनिक मतवादों के नाम सुनेंगे आप, जैसे किसी ने कहा शुद्धाद्वैत, तो ये शुद्धता क्या है अद्वैत में, और विशिष्टाद्वैत वो क्या है, द्वैताद्वैत दो दो ये क्या है, और फिर द्वैत क्या है, अद्वैत और द्वैत दो चोरों की बातें हैं, मतलब इसे वो भिन्न है, द्वैतवाद दो मानना और दो नहीं मानना, और फिर पुष्टि मार्ग की भक्ति। तो ये सारी बातें तो एक घंटे भर में हमें समझना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो 10 मिनट 5-10 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इन तत्वों को भी हम समझे। जैसे अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, इसके कौन प्रवर्तक है और ये कैसे विकसित हुआ। अद्वैत को लेकर मैंने कह दिया कि इसका दार्शनिक पृष्ठभूमि आपको वेदों से मिल जाता है, यहाँ तक कि आपके ऋग्वेद से लेकर तमाम जो भी है तो उसकी दृष्टि से। और आपने जरूर पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि बाकी आप आदिकालीन साहित्य को लीजिए या रीतिकालीन साहित्य को लीजिए, आज के समय के साहित्य को लीजिए जिसको आधुनिक काल कह रहे हैं, इन तीनों दृष्टियों से देखें तो इन तीनों में कई सारी विडंबनाएं हैं, जबकि भक्तिकालीन साहित्य इस प्रकार का साहित्य है जिसमें आप उस साहित्य को पढ़ेंगे आपके तमाम जो भी कष्ट है जो भी झेल रहे हैं आप उनको भूल के उसमें तन्मयता के साथ लीन हो जाते हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि आपका विश्वास ईश्वर के प्रति हो, तो जब आपके शंकराचार्य ने मायावाद जो भी किया था मतलब माया को लेकर उन्होंने जो प्रतिपादन किया, सबसे पहले उन्होंने अद्वैत दर्शन को लेकर बातें की, लेकिन आगे जब उनसे वाद विवाद हुआ तो शंकराचार्य हर जगह जाते थे और विद्वानों से चर्चा करते थे, तो उनके मायावाद को लोग विरोध करने लगे, मानने नहीं लगे।
तो तभी तो जो है अलग अलग वाद प्रचलित हो गए। तो इतने सारे वाद, इसमें कई सारे वाद दक्षिण से ही प्रचलित हो गए थे। तो शंकराचार्य के मायावाद के विरोध करते हुए वैष्णवाचार्यों ने अलग अलग दार्शनिक मतवादों की स्थापना की थी। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद तो और बाकी जो भी मतवाद है, या मतवाद आया, वो मत नहीं है, मत है, मतवादों को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इसके साथ हम मानेंगे कि हमने कंप्लीटनेस लाने की कोशिश की है कि समय सीमा 1 घंटा होने से जो है किसी एक बात से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं संक्षेप में ही बताना चाहूंगा। जैसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में हम शंकराचार्य को मानते हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही थी, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, और ब्रह्म को सत्य असत्य के रूप में और जगत को मिथ्या के रूप में, और इसके बीच में उन्होंने मायावाद को जो लाया था, मतलब जीव और ब्रह्म के बीच में जो समझ नहीं है उसको लेकर, और वो बातें तो हम समझ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्किप करते हुए आगे आपको ले जा रहा हूँ ताकि आप और समझ सकें। तो उन्होंने जो अहम ब्रह्मास्मि का जो बोध किया, तो मतलब यहाँ पे अलगाव जो है, अलग अलग पार्थव्य नष्ट होकर जीव और ब्रह्मा के बीच में ऐक्य की स्थापना होने के लिए उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो सो वहां पे सर्वम कलु इदम ब्रह्मा की प्रतीति, मतलब सब में ब्रह्म है। तो ये जो भावना है, तो इसको विकसित करने की कोशिश आपको अद्वैतवाद में मिल जाता है। तो अद्वैतवाद से संबंधित कई सारी बातों के बाद हम कोशिश करेंगे कि आगे के वाद जो है वो क्या है, विशिष्टाद्वैत जो है। तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य द्वारा प्रचलित मतवाद है। तो इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, मतलब उन्होंने तो एक तो राम भक्ति के नायक वे माने जाते हैं, और ऐसे राम भक्ति के आचार्यों में दक्षिण में रामानुजाचार्य प्रमुख माने जाते हैं, और विष्णु भक्ति से संबंधित जो भी आपको विष्णु के एक अवतार के रूप, मतलब अवतार के रूप में रामचंद्र को वे मानते थे। तो फिर वैष्णव भक्ति का जो दक्षिण में प्रचार हुआ, इसका श्रेय रामानुजाचार्य को दिया जाता है। तो 1016 में इनका जन्म मद्रास के पास तिरुकुंदुर गांव में हुआ था, और पिछले दिनों में हमने इनकी सहस्राब्दी मना लिया, और कई सारे उत्सव भी हुए उस अवसर पर, आप जानते हैं इसको। और शंकर के अद्वैत से भिन्न धारणाएं शंकर ने रामानुज जी के थे, उन्होंने जीव जगत और ईश्वर के संबंध को लेकर एक नया दर्शन प्रतिपादित किया, उसी को हमने विशिष्टाद्वैत कहा। तो इनका विशिष्टाद्वैत क्या है, उनके अनुसार जीव जगत और ईश्वर के बीच जो संबंध है वो उस तरह का संबंध है जो शरीर और अंगों का बीच का संबंध है। जैसे शंकराचार्य ने तो 2 तत्वों को माना, 2 एक है कहा, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा रामानुजाचार्य ने, तो रामानुज ने माना तो जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच का संबंध है, वही ईश्वर और जीव के बीच का संबंध है। और जिस प्रकार से शरीर के अंग जो है अलग अलग होने पर भी शरीर से एकाकार है, मतलब हमारी उंगलियां हमारे हाथ से जुड़ी हुई है, हमारे हाथ हमारे धड़ से, मतलब हमारे शरीर से जुड़े हुए, हमारे पैर हमारे शरीर से जुड़े, तो ऐसे अलग अलग अंगों के रूप में इनको जो देख रहे हैं, तो इनका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं है, तो ये उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस रूप में यहाँ पे तो जीव और ईश्वर को तो ये अलग भी दिखते हैं हमें, लेकिन उसी के अंग है, मतलब ईश्वर के ही हम अंग है, उस रूप में ये अद्वैत, ठीक है, ये विशिष्ट अद्वैत, मतलब ये अद्वैत को मानते हैं, तो ये 2 नहीं है इस रूप में मानते हैं, लेकिन ये एक अलग रूप में मानते हैं इसको, मतलब शरीर और जो हमारे अंग है उस रूप में इसको मानते हैं। तो इस प्रकार रामानुज जो है जीव और ईश्वर के बीच अद्वैतता, मतलब 2 का निषेध जो है वे एक अलग ढंग से मानते हैं, तो इसलिए इसको विशिष्ट अद्वैत कहा गया। तो माया की सत्ता को बिल्कुल रामानुज नहीं मानते, क्योंकि माया के बिंदु पर ही जो है इन दिनों के बीच में शंकराचार्य के विचारधारा और रामानुज की विचारधारा में फर्क आ गया। तो 8वीं सदी के शंकराचार्य और रामानुजाचार्य तो 1000 के आसपास के, तो इन दोनों में काफी समय का अंतर रह गया, तो एक दूसरे से भले ही नहीं मिल पाए, लेकिन इनके विचारों में जो टकराव हुआ उसकी वजह से इन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, तो उनके मायावाद का उन्होंने निराकरण कर दिया।
तो ये हम यही जस्ट ब्रेक करते हैं फिर, ताकि हम दूसरे भी तत्व को समझें। तो समय की कमी की वजह से मैं क्षमा चाहूंगा। तो एक घंटा भर का जो समय दिया, इसमें पूरे भक्ति काल को पढ़ाना जो है और बिल्कुल ही मुश्किल काम है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग जो भी भक्ति से संबंधित वाद है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें विशिष्टाद्वैत संबंधी बाकी जो बातें हैं मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं। तो हम जाएंगे अगले जो बात है उस पे। तो ये जैसे मैंने अभी कहा था, सगुण ही अगुण ही कच नहीं वेदा, गाव ही श्रुति पुराण बुद्ध वेदा, अगुण अगुण अरूप अलग अज, जोई भगत प्रेम वस सगुण हो सो होई। तो ये सारी जो उक्तियों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि शुद्धाद्वैत वाद क्या है, मतलब शुद्ध अद्वैत वाद, शुद्ध प्लस अद्वैत, विशिष्ट प्लस अद्वैत, मतलब ये अद्वैत को ही, अद्वैत में जैसे रामानुज ने क्या किया, तो शंकराचार्य के तो माया संबंधी कॉन्सेप्ट को नहीं माना, तो फिर शुद्धाद्वैत वाद क्या है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया। तो वल्लभाचार्य ने जो मतवाद को प्रचलित किया उसको हम कहते हैं शुद्ध अद्वैत वाद, शुद्धाद्वैत वाद, ठीक है। तो ये क्या है, तो सगुण भक्ति के संप्रदायों में तो जो कृष्ण भक्ति वाले हैं, तो रामानुज को राम भक्ति वाले मानते हैं, वल्लभाचार्य को कृष्ण भक्ति वाले मानते हैं, दोनों भी वैष्णव भक्ति धारा के आचार्य थे। तो इनका जो मतवाद है इसको हमने शुद्ध अद्वैतवाद कहा। तो उन्होंने में उन्होंने हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं रची है, फिर भी वल्लभाचार्य के जो पूर्वज वो सारे आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तो और फिर ये लोग किसी समय जाकर काशी में बस गए थे, तो फिर वही तो वल्लभाचार्य का आसपास में वही जन्म हुआ 1479 में। तो उस समय इनके विचार क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक, यहाँ मैंने आपको छोड़ दिया है तो क्षमा कीजिए, अद्वैतवाद के रूप में इसको पढ़िए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ने जिस माया का अस्तित्व माना है, तो वल्लभाचार्य ने माया रहित शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण बताया। मतलब यहाँ पे जीव के संबंध में बोला जाता है कि जीव माया से प्रभावित होकर तो जगत को मान रहा है, तभी तो ब्रह्म को पहचानने में उसको दिक्कत हो रही है, स्वयं ब्रह्म होकर भी। तो वो शंकराचार्य का कथन था, जबकि वल्लभाचार्य ने तो ब्रह्म जो है मायातीत है कहा। तो यहाँ तक कि आप कबीर की वाणी में आप सुनते हैं अद्वैतवादी होकर भी, तो वही मतलब अद्वैतवादी होने की वजह से ही उन्होंने कहा, यहाँ तक कि आपके शंकर पर भी और आपके बाकी तीनों जो भी त्रिमूर्ति कहते हैं आप, तीनों पर भी, ब्रह्मा पर और विष्णु पर भी, तो माया का प्रभाव रहा है। तो वो एक मतलब उनकी अपनी शैली में वे कहते हैं एक पद में। तो उस दृष्टि से यदि आप देखते हैं, यहाँ माया रहित कहा ब्रह्मा को, ये वल्लभाचार्य का कथन है। तो मतलब ब्रह्म हमेशा शुद्ध है, उसको कोई टच नहीं कर सकते, जैसा माया अलिप्त है, कोई कुछ उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो उस दृष्टि से मतलब जीव को भी उसी ढंग से ये मानते हैं, तीन तरह के मानते हैं। तो यहाँ तहर आया वो गलत है, तरह मान लीजिए इसको, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव, तीन रूप में वो मानते हैं, शुद्ध जीव एक और दूसरा संसारी जीव और तीसरा मुक्त जीव, इन तीन रूपों में मानते हैं। तो इनके सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इनके इनकी दृष्टि क्या है, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर जैसे कबीर ने अद्वैतवादी होकर कहा कि ब्रह्म तक को भी आप माया व्यापित हो सकता है, तब इस शुद्ध अद्वैतवाद में वल्लभाचार्य की दृष्टि ये है कि निश्चित रूप से मतलब उनको स्पर्श नहीं कर सकता उस प्रकार। तो इनकी बाकी जो भी बातें हैं तो आप विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए, और लगभग हमारा समय पूरा हो चुका है, मैं एक और 5 मिनट आपका ले लेता हूं। तो आप बाकी जो मतवाद है उनको जस्ट संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूं। यस, ये प्रेजेंटेशन आपको तो डीडी के माध्यम से मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में है ये, तो वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा पुष्टि मार्गीय भक्ति,
तो पुष्टि मार्गी भक्ति में आप वल्लभाचार्य के जो शुद्ध अद्वैतवाद है उसका ब्रह्मवाद, तो उसी को आप जो है वहां पे पुष्टि मार्ग कहते हैं, मतलब यहाँ तो इस पुष्टि मार्ग से संबंधित आप पुष्टि मार्गी मानते हैं आप किनको, सूरदास को, और वहीं पे अष्टचाप कवियों की बातें भी आती है और उसको लेकर भी आप अध्ययन करेंगे। जस्ट इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं स्किप करेंगे। तो जैसे पुष्टि को लेकर भी चार प्रकार माना गया, एक पुष्टि मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, शुद्ध पुष्टि, तो ये सब अलग अलग से फिर चारों पुष्टियां क्या है, तो वो सारी बातें अपनी जगह है। जस्ट हम यहाँ स्किप करके ओवरऑल जो ऐसे अलग अलग मतवाद प्रचलित हुए थे, तो शंकराचार्य ने शुरू में जो बातें कही थी तो उन बातों के साथ मतलब अलग दृष्टि रखते हुए इन लोगों ने जो जो संप्रदाय अपने फैलाया, तो उन संप्रदायों की जो धाराएं हैं उनकी दृष्टियां हैं, तो उनके माध्यम से भी अलग अलग साहित्य का विकास हुआ। तो ये मध्वाचार्य के जो द्वैतवाद भी हो, और अलग अलग आप देखेंगे अन्य संप्रदायों में कई सारे संप्रदाय, जैसे गौड़ी संप्रदाय हो तो कृष्ण भक्ति से संबंधित, तो ये पश्चिम बंगाल में गौड़ी संप्रदाय, कृष्ण चैतन्य संप्रदाय की जो बातें होती है, चैतन्य ने तो इस संप्रदाय को फैलाया था। दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय, तो मतलब यहाँ पे तो कृष्ण की भक्ति के लिए राधा को ही आधार मानकर राधा कृष्ण की पूजा जो की जाती है, इसको राजा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। तो आप इसको भी सुन चुके होंगे आप, तो हित हरिवंशी की वहां बातें। फिर हरिदास संप्रदाय, सखी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार कई सारे संप्रदाय हैं, तो इनकी कोई निश्चित संख्या भी नहीं है। तो आप कहाँ कहाँ जहाँ भी आप देखिए, तो हर किसी को, हर किसी संत के शिष्यों ने फिर कोई और मत को प्रचारित किया, और उनकी बातें इनकी बातें मिलाकर फिर कोई और नई बातें सामने लाएं। तो ये भक्ति से संबंधित जो धारा दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रवाहित हुई, तो इसका सार रूप में हम ये मान सकते हैं भक्ति काल के ये जो अवधि है, हम जैसे मैंने तो एकदम आपको कह दिया 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मान लीजिए, तो 1000 वर्ष तक का जो भक्ति आंदोलन, तो वैसे आपकी किताबों में आप पढ़ेंगे तो सीमित समय तक, लेकिन इसको वैसे मानना भी चाहिए। तो ये धारा तो रही उस समय भी, आदिकाल में भी रही और भक्ति काल में भी रही, फिर आगे भी अभी भी है। तो लेकिन इनका सार तत्व यही है, तो ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, अद्वैतवाद ये कहता है। और जब हम ईश्वर स्वयं हैं तो हम ईश्वरीय व्यवहार करेंगे, तब तो कोई भेदभाव नहीं मानेंगे। तो दुनिया में जो विडंबनाएं हैं उन सभी विडंबनाओं के लिए समाधान हमारे सामने ही उपलब्ध है। तो उस दृष्टि से भक्ति साहित्य काफी विस्तृत साहित्य है। तो इसकी चार धाराएं जो मैंने बताई है, उन चार धाराओं में विकसित जो साहित्य है उसका सार तत्व तो यही है। तो आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की, और इसमें कुछ भी आपके डाउट्स हैं जरूर नेक्स्ट क्लास में, चूंकि हम रीति साहित्य जो पढ़ते हैं, रीति साहित्य में थोड़ी सीमित चर्चा होगी, तब भी आप इससे संबंधित सवाल जरूर कर सकते हैं। अभी फिर भी आपका काफी समय हो गया, कुछ पूछना चाहते हैं 1-2 मिनट में आप पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इस पर थोड़ा और आपके सवाल हैं तो उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हाँ रविचंद्र साहब आप बोल सकते हैं। गुड इवनिंग सर, where we can find the presentation of your This presentation you can download from pondi.edu.in. In that you please go to Anandaranga Pillai Library, University Library site. In the site you go to library link. In that you will find institutional repository. In that link you will find school wise some material is there. In that go to humanities. In the humanities you will find Hindi. In Hindi you will find this presentation. Around some 11 presentations are there which are related to your subjects. You can download from there. I'll ask the coordinators to share this presentation through your WhatsApp also. Okay.
even if you share the link of that university. Sure. Yes, actually, if you have time now itself, let me see and show that. Yes. I'll do one thing. Yes, I'll take you there. To one second, I'm sharing here. One tab. Share this tab. Yeah. Is it visible? I'm typing fondiuni.edu.in. Now this website is revamped. So it is having more features now. And we'll go to university library link here. You will find university library also. Okay. And yeah, one second. To go. Just a second. Yes, please. Yeah, one second. So actually, there was a direct link here. Now, actually, some totally it is revamped, no? Library, here itself, you will find in the home page itself, here library is there. Yes. Now go to library. Yeah. So this is library site. And in this, you will find institutional repository. Here you see in this corner, here yes, it is visible, institutional repository. Open that. So here you will find, see here, you are discovering here. Here is the discover, here it is there. Author. Yeah. So my name is appearing here, Jayashankar Babu. Some 11 presentations are here itself. Directly you are finding. You need not browse in that way also. Directly when you enter inside, directly you are finding here my name, and here you are finding, just click that, yes, and then you will find presentations here. Okay, so here you see all it is there, Bhakti Kal, Adi Kal, so Advait Vad, Bhakti Kavya, Bhasha, Bhasha, because all these things. So just this link actually, for example, here you are finding everything. So one by one, Bhakti Kavi ke Darshnik Aadhar. See, say for example, I am opening this. So this is that one. This is the real link of that particular presentation. So here it is there. You can view and open this like this. Okay, you can download also. No restriction for downloading. So I'll do one thing. I'll just give this link to you through this chat box so that you can download this easily. Yes. And yes, I have shown you the path. Through that path also easily you can reach and download this. Let me stop this presentation. And Dhanyavad. So it's very easy. Just you can see I have shared here that link in your chat box. Please copy that and keep it with you. Then just click that, you can reach there. It's very easy. You need not even search also like that way. So it is dspace.pondiuni.edu.in. That explanation is there. It's very easy. Just see the chat box. So Dhanyavad, aapne kafi samay diya mujhe. विशेषकर आपके 15 मिनट अतिरिक्त मुझे मैंने एंक्रोच किया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ. और हाँ, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, शंतिल राज और तनीषा जी. लिंक्स सर, लिंक्स एक बार दिखाओ लिंक. हाँ, लिंक यहाँ डाल दिया मैम मैंने, आपके चैट बॉक्स में है. देखिए, चैट ओपन कीजिए,
आपको मिल जाएगा। बंद करने से पहले चैट बॉक्स से कॉपी कर लीजिए आप। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ओके तनीषा जी, आप कुछ कह रहे थी? धन्यवाद जी। जी ओके, और फिर मिलते हैं हम। धन्यवाद जी। ओके नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।